वो खेलता नहीं, खेल सिखाता है, और खेल खेल में ही अच्छों अच्छों के साथ खेल कर जाता है। तो भाई ये कोई और नहीं, हम सब के खिलाड़ी कुमार हैं। तो दोस्तों, खिलाड़ी कुमार का जलवा एक बार फिर से बॉक्स ऑफिस पर ऐसा चला कि भैया उनकी फिल्म के सामने टॉलीवुड की कहें या फिर हॉलीवुड की कहें, सारी की सारी फिल्में पानी मांगती नजर आ रही है। तो भाई अब तक बेल बॉटम ने बॉक्स ऑफिस पर कितना कलेक्शन कर लिया है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ नरेंद्र और मैं आपके लिए लिख रहा हूँ और एक खास रिपोर्ट जो कि जुड़ी हुई है बॉलीवुड के रियल मेगा स्टार यानी कि गारंटी कुमार, खिलाड़ी कुमार, रिकॉर्ड कुमार यानी कि भाई स्पीडी कुमार, अक्षय कुमार के सुपर डुपर हिट फिल्म यानी कि बेल बॉटम से। तो दोस्तों, बेल बॉटम को बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुए 23 दिन हो चुके हैं, यानी कि आज इस फिल्म का बॉक्स ऑफिस पर 24वां दिन है। और भाई इस फिल्म ने इन 3 हफ्तों में जो बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन किया ना मेरा भाई, वो धमाकेदार है। यानी कि भैया पहले हफ्ते इस फिल्म ने जो बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन किया था वो था 19 करोड़ 40 लाख रुपए का। उसके बाद दूसरे हफ्ते इस फिल्म ने जो बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन किया है वो है 7 करोड़ 35 लाख रुपए का। और भाई तीसरे हफ्ते इस फिल्म ने जो बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन किया है वो है 2 करोड़ 84 लाख रुपए का। और भाई कल इस फिल्म ने जो बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन किया यानी कि चौथे फ्राइडे को इस फिल्म ने जो बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन किया है वो है 15 लाख का। यानी कि कुल मिलाकर इस फिल्म ने इन 23 दिनों में बॉक्स ऑफिस से कमा लिए हैं 29 करोड़ 74 लाख रुपए। और भाई इसी कलेक्शन के माध्यम से खिलाड़ी कुमार की ये फिल्म जो है वो बॉक्स ऑफिस की नंबर 1 फिल्म बन चुकी है। यानी कि भैया जब हॉलीवुड की फिल्म शांची ने बॉक्स ऑफिस पर एंट्री मारी थी और उस फिल्म को जिस तरीके का रिस्पॉन्स पहले हफ्ते मिला था तो ऐसा लग रहा था कि ये फिल्म खिलाड़ी कुमार की फिल्म को पछाड़ देगी। लेकिन भैया ये फिल्म भी पहले हफ्ते में भाई 19 करोड़ का आंकड़ा नहीं छू पाई। यानी कि पहले हफ्ते इस फिल्म ने जो बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन किया है वो है 15.89 लाख का बिजनेस इस फिल्म ने ऑलरेडी कर लिया है बॉक्स ऑफिस पर। लेकिन ये फिल्म पछाड़ नहीं पाई भैया बॉलीवुड के खिलाड़ी कुमार को। तो भाई एक बार फिर से खिलाड़ी कुमार का जादू ऐसा चला बॉक्स ऑफिस पर कि भैया उनको लेकर फिर से हम कहेंगे वही बात, एक खिलाड़ी पूरे विश्व पर भारी। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल वरुण जंक्शन को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइएगा।